हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक एबीवाई प्रोग्राम के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, कौन कौन से लोग इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम के पैटर्न क्या होने वाले हैं, इसके प्रोसेस क्या होने वाले हैं, आज फुल इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसे मिनिमम 21 इयर्स से लेके मैक्सिमम 30 इयर्स के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट होना चाहिए, एनी ग्रेजुएट बंदा इसे अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें दोस्तों आपको है कि आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, आपके फाइनल ईयर में 50% मार्क्स होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीकॉम से हो, बीएससी से हो, नो मैटर, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसके एप्लीकेशन फी की बात कर ली जाए तो इसकी एप्लीकेशन फी है दोस्तों 500 रुपीज। जी हाँ, इसके फॉर्म की एप्लीकेशन फी रखी गई है 500 रुपीज। और इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। ओके दोस्तों, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम के क्या पैटर्न होने वाले, इसके प्रोसेसेस के बारे में। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये फॉर्म कब कब आते हैं। तो मैं बता दूं कि ये साल में सिर्फ 2 ही बार आते हैं ये फॉर्म। तो आप साल में हर 6 मंथ पे ये फॉर्म आते हैं, तो आपको ये अप्लाई कर सकते हो आप। तो आप चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने एग्जाम की तरफ। तो दोस्तों बता दूं इसका कि इसका 2 पैटर्न में एग्जाम है। आपका फर्स्ट स्टेज में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और दूसरे स्टेज में आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। यस दोस्तों, देयर इज नो एनी जीडी, सो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे। तो मैं बता दूं, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो मैं इसमें बता दूं कि इसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड डेवलपमेंट, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के बारे में आप सभी लोग जान रहे हो। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये ज्यादा आपके लिए लेंदी नहीं होने वाला है। इसमें दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाए, या आपको कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा जिससे आपको बोलना होगा कि आपके आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, वो आप वहाँ पे देने होंगे दोस्तों। तो मैं बता दूं इसमें सब आपके ऑप्शनल ही होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आपको सब ऑप्शनल होंगे यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा सकता, उसमें जो ऑप्शन रहेंगे आपके इस टाइप के रहेंगे, अग्री, डिसअग्री, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, इस टाइप के आपसे 5 ऑप्शंस रहेंगे, पर आपके अपने पर्सनल ओपिनियन वहां पे देने हैं। तो ये काफी इजी होने वाला है दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ऑनलाइन प्रोसेस की तरफ, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन इंटरव्यू की तरफ बताते हैं आपको कि ऑनलाइन इंटरव्यू में क्या होने वाला है। ऑनलाइन इंटरव्यू में तो आप समझ रहे होंगे ऑनलाइन इंटरव्यू से कि आपके पास कोई भी टीचर्स या इन्वेस्टिगेटर आपके सामने नहीं होंगे, आपको एक कंप्यूटर के सामने ही आपको ये प्रोसेस होगा। पूरा इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, आपके कंप्यूटर के सामने, आपको कंप्यूटर के पास बैठा दिया जाएगा, आपको ईयरफोन्स ये सब दे दिए जाएंगे और बोले जाएंगे कि आप अपना ऑनलाइन इंटरव्यू दो। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें 3 प्रोसेस में आपके एग्जाम होने वाले हैं इंटरव्यू। इसमें क्या होगा दोस्तों, रीड, राइट एंड स्पीक, ठीक है दोस्तों। तो मैं पहले बता देती हूँ कि ये कैसे होने वाले हैं। रीड में देखिए क्या होगा दोस्तों, आपको कोई पैरा दे दिया जाएगा आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर पे, वहां पे उसको कहा जाएगा सिंपली आप कि उसे रीड करो। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, इसमें आपकी सिंपली यही है कि आपकी रीडिंग स्किल को चेक किया जाएगा। दूसरे इसमें हो सकता है, दूसरा स्टेप आपका दोस्तों ये है कि आपको स्पीक, रीड, राइट एंड स्पीक, जैसा मैंने बताया। इसमें स्पीक में क्या होगा दोस्तों कि आपको कुछ ऑडियो सुनाए जाएंगे, उसको आपको बस रिपीट करना है, बस यही करना है आपको। जो वो सुनाए जाएंगे आपको ऑडियो, बस उसको आपको रिपीट करना और कुछ नहीं करना दोस्तों। आपके वो लिसनिंग स्किल को सुनेंगे, आप कितने एक्टिव हो, वो सब आपका बस यहाँ पे चेक होगा दोस्तों, ठीक है। तो थर्ड बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रोसेस की तरफ। थर्ड प्रोसेस है आपका दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको रीड बता दिया, आपको स्पीक बता दिया, अब लास्ट है आपका राइट। तो राइटिंग में क्या होगा दोस्तों, आपको राइटिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस बैंक के पूछे जाएंगे। जैसे मैंने आईसीआईसी में आपको पिछले वीडियो में बताया है कि पीआई में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज बैंक रेट, टैक्स क्या होता है, बजट क्या होता है, इसी टाइप के आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको अगर प्रॉब्लम है कि क्या क्या पूछे जाते हैं, तो आप मेरे आईसीआईसी वाले जीडी एंड पीआई के क्वेश्चंस में जाके देख सकते हो। इसमें आपके कोई जीडी नहीं होते, ग्रुप डिस्कशन नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट आपके ऑनलाइन एग्जाम एंड पीआई है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम लोग बात कर रहे थे पीआई पे, तो वही है दोस्तों कि आपको वहां पे जितने भी बैंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे राइटिंग में, वहां आपको जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे बस आपको कंप्यूटर पे अपने टाइप करना है, वो आपसे टाइप करवाएंगे। वहां पे आपको बोलना नहीं है, रीडिंग मैम बता दिया, वहां पे आपको ये टाइप करके आंसर देना है। तो
आप समझ चुके होंगे, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको समझ आ रही होगी दोस्तों। तो चलिए हम इसके बाद प्रोसेस पे बात करते हैं, आगे के प्रोसेस पे। तो जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, उसके बाद अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है दोस्तों, सॉरी, तब आपका क्या होगा दोस्तों कि आपका वन ईयर का ट्रेनिंग प्रोसेस होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका वन ईयर का ट्रेनिंग प्रोसेस होगा, जिसमें क्या होगा मैं बता दूं कि आपके 6 मंथ्स के ट्रेनिंग होंगे, क्लासरूम ट्रेनिंग, ठीक है। ये पूरा वन ईयर का होने वाला है, जिसमें आपके पार्टली होंगे, जिसमें 6 मंथ आपका क्लासरूम ट्रेनिंग हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ आपके 3 मंथ के इंटर्नशिप होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 3 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा। तो मैं बता दूं, ये सारे जितने 1 साल के आपके प्रोसेस हैं, उसमें आपके 3.29 लाख के एक्सपेंसेस लगने वाले हैं दोस्तों। वो एक्सपेंसेस क्या है दोस्तों, आप जो भी रहोगे वहाँ के एक्सपेंसेस, खाने पीने ये सब मिला के आपका लगते हैं। तो आप इसमें, आपके लिए इजी है अगर जिस जो भी ये क्वालिफाई कर लेते हैं ये एग्जाम, तो उनके लिए, अगर जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो एक्सिस बैंक से ही लोन ले लेंगे। और वो क्या होगा, जब एक्सिस बैंक से आप लोन ले लेते हो, तो जब ऐसे ही आप जॉब पे चले जाओगे, तो आपके 6 मंथ के बाद, आपके जब 6 मंथ आप जॉब पे अपने अपना काम करोगे, उसके 6 मंथ के बाद से आपके वो जो लोन के पैसे वो धीरे धीरे आपके कटेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप खुद से पे करते हो तो यहाँ पे तो कुछ बात ही नहीं है दोस्तों, तो आप ये बात को समझ रहे होंगे अच्छे। तो मैं बता दूं, तो इसमें आपको ये भी हो सकता है दोस्तों, आपके लिए जैसे ही तीन, ये आपका 1 साल का जो प्रोसेस है, उसमें 6 मंथ का जो आपको क्लासरूम ट्रेनिंग है दोस्तों, उसमें आपको 5,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 5,000 पर मंथ 6 मंथ के लिए, आपको एक्सपेंस के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए 5,000 हर टाइम आपको दिया जाएगा हर मंथली। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ आपके जो 3 मंथ के इंटर्नशिप होने वाले हैं, उसमें दोस्तों आपको 12,000 रुपीज दिया जाएगा। जो आपके 3 मंथ के इंटर्नशिप होंगे, उसमें आपको 12,000 रुपीज दिया जाएगा। और आफ्टर, फिर आपको जो ऑन जॉब रखा जाएगा 3 मंथ से, उस टाइम से आपको फुल पेमेंट आपकी मिलने लगेगी। उस टाइम आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे। अगर आप लोन लेते हो तभी आपके पैसे कटेंगे, वो भी आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद से ही आपके पैसे कटेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो और हम इसमें बता दें आपको दोस्तों कि ये कहाँ से करवाया जाता है, ट्रेनिंग प्रोसेस कहाँ से होती है। तो ये 2 जगह से होती है दोस्तों। पहला आपका मणिपाल से होता है, मणिपाल जो बैंगलोर में है, और दूसरा आपका एमिटी दिल्ली से होता है। तो आप दोनों में से कहीं से भी कर सकते हो दोस्तों, लेकिन मेनली वो खुद से ही आपको सेंटर देते हैं कि वो आपको कहाँ भेजेंगे। ऐसे अगर आपको फॉर्म में पूछा जाता है कि आप कहाँ से इसे अप्लाई करना चाहते हो, कहाँ से आप ये ट्रेनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हो दोस्तों, तो आप बता सकते हो, अपना आप दे सकते हो, लेकिन मेनली वो खुद से ही आपको देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी सारी चीजें, मैंने जितना भी बताया। यहाँ कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ। और जो जो मैंने आपको, जो जो आपके, मैं बता दूं कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश से जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं, जिस जो टॉपिक्स है आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे दोस्तों, मैं आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पे दे दी हूँ, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो पार्ट बाय पार्ट, ठीक है दोस्तों। तो अब और बात है, और मैं जो ये फॉर्म का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी।